ये सरकार क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहती इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, एक दो नहीं लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो वहां पर हुए हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न देना पड़े। आटा और डेटा का अधिकार, अभी जो राशन मिल रहा है, जो गरीबों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, न वो पौष्टिक है न वो उसकी क्वालिटी है कोई। गरीबों को केवल राशन इसलिए उपलब्ध करा दे रहे हैं कि बस उन्हें भोजन मिल जाए, लेकिन जब तक पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तब तक उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता, वो सोच और समझ भी नहीं अच्छी हो सकती है। इसलिए आटा और डाटा का अधिकार की बात इसमें हम लोग कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग दोगुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने इस बात को माना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए,